Video I am going to explain you fourth chapter of political science class 12th new centers of power. The new name is सत्ता के नए केंद्र. तो हम सत्ता के नए केंद्र सबसे पहले इसमें दिया हुआ है यूरोपीय यूनियन का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स गोल्स जो भी है उसके उसको देखिए. तो यूरोपीय यूनियन के जो उद्देश्य है वो है एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन. अब बहुत सारे उद्देश्य हैं जो यूरोपीय यूनियन ने प्राप्त कर लिए, तो हम उन्हीं उद्देश्यों को देखेंगे. यूरोपीय यूनियन द्वारा प्राप्त किए गए उद्देश्य. तो यूरोपीय यूनियन आर्थिक सहयोगी वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिए. यूरोपीय जो संघ है वो एक विशाल राष्ट्र राज्य के रूप में काम करने लगा है. अन्य देशों के यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा है, स्थापना दिवस, अपनी मुद्रा है और अन्य देशों के साथ काफी हद तक सांझी विदेश और सुरक्षा नीति है. यूरोपीय संघ का जो झंडा है, यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारे के रूप में वहां के लोगों के पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है. अब यूरोपीय संघ को प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारक देखेंगे. या यूरोपीय संघ को ऐसे कौन से कारक है जो ताकतवर बनाते हैं, प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले कारक. तो पहला है 2016 में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और 2005 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी. यूरोपीय संघ का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है. और पहला तो हमने देखा यह दुनिया का दूसरा जो ये है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था. यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका भी से भी ज्यादा है. विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है. और इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीकी देशों पर पड़ता है. विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में दखल देने में सक्षम है. अधिराष्ट्रीय संगठन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में दखल देने में सक्षम है और विश्व व्यापार संगठन में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है. और इसके दो देश यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है. और उनके पास ये दोनों देश परमाणु संपन्न है. इनके पास जो परमाणु बम की संख्या है वो लगभग 550 है. अंतरिक्ष विज्ञान तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है. और यूरोपीय संघ के पास दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सेना है. अब कुछ ना कुछ तो ऐसे रीजंस होंगे कि इनके उद्देश्य हैं, ताकतवर बन गए, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होंगे जो इनको कमजोर बनाते होंगे. कुछ लिमिटेशंस होंगे तो उन्हीं हम कमजोरियों को देखने जा रहे हैं, जिन्हें आप लिमिटेशंस कह सकते हैं. यूरोपीय संघ को कमजोर बनाने वाले कारक, तो मेन जो सबसे पहला कारक है कि जो अन्य देशों के साथ जो यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी विदेश और सुरक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था इराक पर हमला करने के मामले में. दूसरा है यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है. स्वीडन और डेनमार्क ने मास्ट्रिस्ट संधि और सांझी यूरोपीय मुद्रा को मानने का विरोध किया है. यूरोपीय संगठन के कुछ देश अमेरिकी गठबंधन नाटो के बारे में मैंने बताया था. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ये 30 देशों का एक संगठन है जिसमें से 30 पे किसी पर भी आक्रमण हुआ तो ये 30 उसे मिलकर मारते हैं. चौथा है जो जून 2016 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. जब मैथ क्लास चल रही थी तो मैंने आपको सार्क के बारे में पढ़ाया था. सार्क के बारे में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इसके बारे में बताया था. और आसियान के बारे में भी मैं आगे बताया था कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस. तो यही जो 10 देश हैं वो आसियान में शामिल है. म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस. अब इन्हीं में से अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के पांच देश थे. इस क्षेत्र के थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की. अब जैसे कि इसके
यूरोपीय यूनियन के उद्देश्य हैं, उसी प्रकार आसियान के भी कुछ ऐसे उद्देश्य होंगे, तो हम उन्हीं उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स को देखने जा रहे हैं। तो पहला इनका उद्देश्य वो है आर्थिक विकास को तेज करना, आसियान द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना। तीसरा है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बनाए रखना। अब आसियान शैली बहुत ही फेमस है, आसियान वे कहा जाता है या आसियान शैली। इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आता है आसियान शैली क्या है, तो अनौपचारिक टकराव रहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया है, इसी को आसियान शैली कहते हैं। अब आसियान के कुछ प्रमुख स्तंभ हैं, मेन पिलर्स कुछ स्तंभ है, जैसे कि पहला है आर्थिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो पहला है आर्थिक समुदाय, यह समुदाय आसियान देशों के बीच टकराव को दूर करता है, जो बीच में विवाद हो जाते हैं उनको ये बैठकर सॉल्व करते हैं। दूसरा है आर्थिक समुदाय, यह समुदाय आसियान देशों के बीच उन्नत साझा बाजार उत्पादन आधार प्रस्तुत करता है और आर्थिक विकास को तेज करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक और जो सांस्कृतिक संबंध है उनको बढ़ावा देता है। तो ये आप समझोगे, ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो आसियान है इसकी क्या प्रासंगिकता है या क्या उपयोगिता है। प्रासंगिकता या हम इसको उपयोगिता भी कह सकते हैं, क्या यूज है। तो यह एशिया का एकमात्र संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों के बीच बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आसियान का आसियान द्वारा जो निवेश, सेवा और श्रमिकों के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र अपनाने पर आसियान ने ध्यान केंद्रित किया, इसमें चीन और अमेरिका ने भी रुचि दिखाई है। भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई थी। भारत ने आसियान के दो देश थाईलैंड और सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। भारत आसियान देशों के साथ समझौता करना चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्रियों ने आसियान की स्थापना की है, 10 देशों की आसियान की बात हो रहा है, तो जो 10 देश मैंने आपको शुरू में बताए वही देश यहाँ पे बात होगी। तो आसियान की हम बात कर रहे थे, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की और सहयोग के लिए जो मुक्त व्यापार क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। अब आसियान की असली ताकत देखें, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच टकराव और गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श को बढ़ावा देना है। तो चीन के बारे में जब मैं आपको ईस्ट एशिया के बारे में बता रहा था, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, तभी मैंने आपको बताया था। सेंट्रल एशिया भी हमने पढ़ा था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काकेसस कंट्री, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, लेकिन फिलहाल हम ईस्ट एशिया में ही चाइना के बारे में पढ़ जा रहे हैं। तो चाइना के माओ के नेतृत्व में चीन का विकास या चीनी अर्थव्यवस्था का हम उत्थान कह सकते हैं। तो 1949 में एक क्रांति हुई थी, इसी टाइम ये आजाद हुआ था, हम 1947 में, हमसे ये 2 साल बाद हुआ। तो 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरुआत में चीन में साम्यवादी शासन था, लेकिन इसके कारण निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि पहला, चीन ने विशाल समाजवादी मॉडल को खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा और उसने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधन उद्योगों में लगा दिए। चीन अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण की योजनाओं को देने के मामले में विकसित देश जो यूरोप के देश हैं उनसे भी आगे निकल गया था चीन। लेकिन जो कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण उद्योगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी। अब चीन में कुछ सुधार की पहल क्या पहल हुई थी, तो इसकी डेट याद बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ संबंध बनाकर अपने आर्थिक राजनीतिक एकांतवास को खत्म कर दिया था। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 स्तंभ रखे। उसके बाद 1978 में तत्कालीन नेता, इनका नाम याद होना चाहिए आपको, देंग शियाओ पिंग, तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधार
और मुक्त व्यापार क्षेत्र अपनाने पर और खुले द्वार की नीति, खुले द्वार ओपन डोर पॉलिसी लाई थी। उसके बाद 1982 में जो खेती थी उसका निजीकरण कर दिया गया, निजी हाथों में दे दिया गया। 1992 में उद्योगों का निजीकरण किया गया और विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए 2001 में, जो चीन है वो विश्व व्यापार संगठन शामिल हो गया था। तो ये है अब चीन में जो सुधार, उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तो उनके नकारात्मक पहलू क्या थे? तो आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं हुआ था, पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ी। तीसरा कारण है वहां पर जो महिलाओं के काम और रोजगार की स्थिति वो असंतोषजनक थी। चौथी बात है कि जो गांव और शहर में रहने वाले लोग थे, कुछ लोग थे जो चीन के तटीय इलाकों में रहते थे किनारे, और कुछ मेन भूमि में रहते थे, ये इधर जापान वगैरह, तो कुछ मेन मुख्य भूमि पर रहते थे, उन रहने वाले लोगों के बीच आय का अंतर बढ़ा। पांचवा कारण है कि चीन के जो सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। हमारी और चाइना की क्या रिलेशन है उनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन या भारत चीन संबंध। तो सबसे पहले हम देख लेते विवादित क्षेत्र। विवादित क्षेत्र क्या क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1950 में चीन ने तिब्बत को कब्जा करने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए थे। और 1962 में ये बहुत ही फेमस लड़ाई है, चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। तीसरा है कि जो ये दो तो बहुत बड़े रीजंस हो गए थे, यहीं से विवाद एकदम बिगड़ गया था। तीसरा है चीन द्वारा पाकिस्तान की मदद, चीन पाकिस्तान की मदद करता है। बांग्लादेश और चीन भारत के जो परमाणु परीक्षण है उनका विरोध करता है। बांग्लादेश व म्यांमार के साथ चीन के सैनिक संबंध भारतीय हितों के खिलाफ माने जाते हैं। नेक्स्ट है चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना, यदि आप देखें वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसे भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत ने प्रस्ताव पेश किया वो कि जो आतंकवादी संगठन ने जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चीन ने वीटो द्वारा यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। भारत ने अजहर मसूर, बहुत ही फेमस आतंकवादी है अजहर मसूर पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इस चीन ने वीटो द्वारा यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया। तो सोचिए ये आतंकवादियों को भी बचा सकता है। अब कुछ सहयोग का दौर, दोनों देशों के बीच लड़ाई हो रही, तो कहीं ना कहीं तो सहयोग का दौर होगा। सहयोग तो 1970 के दशक में वैचारिक चीनी नेतृत्व बदलने से वैचारिक मुद्दों का स्थान व्यावहारिक मुद्दों ने ले लिया। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और विवादित क्षेत्र पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई और परस्पर व्यापार, दोनों देशों ने परस्पर सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चार पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% की दर से बढ़ने लगा, सोचिए 30% की दर से बढ़ने लगा। दोनों देशों ने विदेशी ऊर्जा हासिल करने के मामले में सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए। आखिरी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैश्विक धरातल पर दोनों देश भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संबंध के मामले में एक समान नीति अपनाई है। इसके अलावा कुछ एडिट टॉपिक्स है जिसको हम सेपरेट वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।